यस माई सेल्फ संजीव यादव, वेलकम टू रॉकेट स्टडी ऑनलाइन। बेटा आप सभी का रॉकेट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हार्दिक स्वागत है। देखिए जो लास्ट जो सीरीज हमने शुरू की हुई थी, वो सीरीज लास्ट 10 ईयर के अंदर जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे थे। और जो 10 ईयर के जो क्वेश्चन हैं, वो हम टाइप वाइज और टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम टॉपिक जो करने वाले हैं, वो टॉपिक है परसेंटेज। ओके, देखो बेटा, जब भी आप इस क्लास को देखें, तो आपने सबसे पहले तो पहले परसेंटेज टॉपिक देखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये तो कौन से क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि लास्ट 10 ईयर के अंदर पूछे गए हैं। इससे पहले आपको वो टॉपिक पढ़ा हुआ होना चाहिए। और जब आप इस क्लास को देखें, तो इस क्लास के अंदर आप सबसे पहले फोन हॉरिजेंटली मोड में होना चाहिए, और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किस क्या करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा परसेंटेज। तो परसेंटेज में सैनिक मिलिट्री नवोदय के पेपर में जो भी लास्ट 10 ईयर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उन पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नेम है बेटा परसेंटेज। टॉपिक का नेम क्या है, परसेंटेज। ओके, टॉपिक का नेम क्या है, परसेंटेज टॉपिक है आपका। तो मैं आप लोगों से कुछ छोटी मोटी बातें अगर परसेंटेज के बारे में डिस्कस करूं, क्योंकि वैसे तो मैंने आपको वहां पढ़ाया हुआ, परसेंटेज टॉपिक तो पढ़ ही रखा आपने। परसेंटेज के बारे में अगर मैं बात करूं, तो परसेंटेज का सिंबल होता ही है। ये क्या होता है बेटा, परसेंटेज का सिंबल होता है। ठीक है, इस परसेंटेज को, सिंबल को अगर हमें लगाना होता है, तो हम करते हैं बेटा मल्टीप्लाई 100। क्या करते हैं, जब भी अगर हमें परसेंटेज में कोई वैल्यू बतानी है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई 100। अगर हमें परसेंटेज में कोई वैल्यू बतानी है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100। लेकिन अगर ये परसेंटेज हमें रिमूव करना है, तो बेटा हम क्या करेंगे, अगर परसेंटेज क्या करना है आपको, रिमूव करना है, तो आप करेंगे बेटा 1/100। क्या करेंगे बेटा, 1/100। समझ में आ गई बात। अगर परसेंटेज लगाना है, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, और अगर परसेंटेज रिमूव करना है, तो 1/100 करेंगे। और बेटा परसेंटेज के अंदर जो फाइनल वैल्यू होती है ना, वो होती है 100%। परसेंटेज के अंदर फाइनल वैल्यू होती है, वो क्या होती है, 100%। ये तीन बातें आपको ध्यान रख लेनी है। परसेंटेज के अंदर फाइनल वैल्यू क्या होगी, 100%। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई। देखो जब आप रिजल्ट आता है, तो बेटा किसी के 95% मिलेंगे, 97% मिलेंगे। किसी को 95% आएगा, किसी का 97% आएगा। लेकिन बेटा 100.02, या मैं कह सकता हूँ 105%, तो किसी का नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात। तो आप एक चीज कह सकते हैं कि बेटा फाइनल वैल्यू कितने परसेंट होती है, 100% होती है। फाइनल वैल्यू कितने परसेंट होती है आपके पास, 100% होती है। फाइनल वैल्यू कितने परसेंट होगी, 100%। अगर हमें परसेंटेज लगाना है, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, और परसेंटेज रिमूव करना है, तो क्या करेंगे अपन, 1/100 करेंगे। क्या करेंगे बेटा, 1/100 करेंगे। क्लियर है, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब देखिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सैनिक स्कूल 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्रेस 11/200 इन द परसेंटेज फॉर्म। अब मैंने अभी आपको बताया, अगर हमें परसेंटेज लगाना है, अगर हमें क्या करना है, परसेंटेज लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। समझिए, एक्सप्रेस 11/200, एक्सप्रेस 11/200 इन द परसेंटेज फॉर्म, इन द परसेंटेज फॉर्म। समझिएगा, 11/200, 11/200 इंटू परसेंटेज फॉर्म। बेटा परसेंटेज लगाते हैं कब, जब जैसे ही 100 मल्टीप्लाई होगा, किसकी फॉर्म में आ जाएगा, परसेंटेज की फॉर्म में। तो आप कह सकते हैं बेटा, अब सोल्व करेंगे, जैसे ही आप परसेंटेज की फॉर्म चाहिए आपको, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 100। बेटा 00 से 00 कैंसिल, आपके पास आंसर आ गया 11/2, या फिर आप इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 1 बच गया, पॉइंट लगा देंगे, 10 हो जाएगा, 2 5 10, आंसर आ गया 5.5%। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 5.5%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मेरी बात को दोबारा फिर से ध्यान से समझिएगा, 11/200 इन द परसेंटेज फॉर्म। परसेंटेज लगाने के लिए बेटा मल्टीप्लाई 100 करना होता है। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई 100 करना होता है। मल्टीप्लाई जैसे 100 करेंगे, ये वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी। 00 से 00 कैंसिल,
इलेवन अपॉन टू, टू फाइव जा टेन, पॉइंट लगा देंगे टू फाइव जा देखिए बेटा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 5.5%, क्या होगा बेटा 5.5%, 11 में 2 का डिवाइड कर देंगे क्या जाएगा 5.5%। ओके okay?